दीपावली के दिन आज एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं। यहां परिवार में खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। महिलाओं के चित्कार से हर आने वाले की आंखें नम होती जा रही हैं। वहीं बच्चे पूछ रहे हैं, पापा आपने तो पटाखे और मिठाई लाने का वादा किया था, अब ये कौन लाएगा। दरअसल जिले के डेहरी इलाके स्थित खैरहा गांव में 45 वर्षीय राम बिहारी खेत में पटवन करने जा रहे थे, तभी खेत में गिरे बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गए। हालांकि गांव के लोग उन्हें NMCH ले गए, तब तक वह दम तोड़ चुके थे। ग्रामीणों की माने तो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो तथा जब तक मृतक के परिजन को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मृतक के दो बेटे और एक बेटी है। वहीं मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विकास सिंह ने मृतक परिवार के लोगों को सांत्वना दी तथा उचित मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। जा रहे थे पटाने खेत, उसके बाद वहीं फंस गया गोड़, उसमें गिर गए। गिरे तो 10 आदमी दौड़े, लाइन उन काटे, उसके बाद छोड़ा दिए, मर गए। ले जाए गोपाल ले गए तो पता चला कि मैं मर गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग को FIR रखो और बिजली विभाग के भुगतान भुगना है। अब जिस तरह से भोगे नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे। मुआवजे की भी मांग है। हाँ, मुआवजा चाहिए। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, FIR करेंगे। जैसे मैंने हम लोग का उधर छोटा छोटा बच्चा है, कैसे जिएगा? क्या नाम हुआ? हमारा नाम श्याम बिहारी भाई।